Bye.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Thank you.
और उन सब संकटों को दूर करके हमें अत्यंत ही शीघ्रता से कृष्ण प्रेम प्रदान करने में हमारी सहायता करें। ओम अथ श्री नरसिंह कवचम नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विदुतासं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोऽभ्रस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसत्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरणमाणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सवृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहा मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीसम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनि नृसिंहो मे दिशौ पातु सोमसूर्यानिलोचन सिंह मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुति प्रिया मासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखं प्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पावनिन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दभूभरणातकृत् दिव्यास्तशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देव बलदौ नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाजश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षीविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयं भट्ट्यां यस्यासौ पातु मे कटे गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे पूरो मनोभव पातु जानुनी नररूपदे जंगे पातु धरा भार हत्कायो सर्वकेसरि सुरराज्य प्रदा पातु पादौ मे नरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रपूर्वतः पातु महावीराग्रज्योतितः महाविष्णुं दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतु पश्चिमे पातु सर्वेषु निशिमे सर्वतो मुख नृसिंहा पातु यव्यं सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्केसरि इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत निशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूलेदितं येन सिद्धेयु कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभे एकसन्ध्यप्ति सत्यं वा यः पठे नियतो नर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्निणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेत्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे द्विवारं जपमानस्तु
दत्तं वायामि मन्त्रश प्रशीलं नरं मन्त्रं नरसिंहा ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि सम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहा सदृशो भवे मनसा चिन्तितं यस्तु सदक्षाप्नोत्य संशयम् गर्जयन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुमिदिदिनं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं गुरुणयन्तं करनिकरशतुर्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्त शिखरसिंहाकवचं सम्पूर्णम्। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज
तुम तो कौशल्य से भी अधिक राम से प्यार करती हो, तो तुम ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकती हो। मुझे बता दो तुम मजाक कर रही हो ना। तुम अगर मजाक कर रही हो तो जल्दी से इस मजाक का भेद खोल दो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे ये वचन मुझे जीने नहीं देंगे। मेरा प्राण निकल रहा है केकई, तुम कह दो कि तुम सत्य नहीं कह रही हो। केकई कहने लगी, नहीं महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि आप भरत को राज्य और राम को वनवास देंगे। जब इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ मूर्छित होने लगे, दुखी होने लगे, रोने लगे, तब केकई और कठोर हृदय से होकर ऐसे कहने लगे, क्यों महाराज, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अब आपको क्यों दुख हो रहा है? राम के राज्याभिषेक के लिए तो आप कितना प्रसन्न हो रहे थे, इतनी अच्छे से तैयारियां कर रहे थे, और अब जब मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलने वाला है तो आप रो रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं। क्या राम ही आपका पुत्र है, भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप खरीद कर लाए हो? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। इतने कठोर वचन जब महाराज दशरथ सुनने लगे तो उनसे सहा नहीं गया और बोला, नहीं केकई, ऐसा नहीं है। बोला, हाँ ऐसा ही है महाराज, आपकी दृष्टि में भेद है। और जिस तरह से शमशान में किसी मुर्दे की लाश जल रही हो और वो शमशान में लाश जलाने वाला उसे जोर जोर से लकड़ी से पीट रहा हो, वैसे ही केकई के वचनों से महाराज दशरथ को मार लग रहे थे। और वो रो कर कहने लगे, नहीं केकई, तुम गलत समझ रही हो। मोरे भरत राम दोई आँखई, सत्य कहो कही संकर साखी। राम और भरत तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे दो नेत्र हो, मैं इनमें कोई भेद नहीं देखता। मैं शिवजी की शपथ खाता हूँ कि मैं राम और भरत में तो स्वप्न में भी भेद नहीं समझ सकता। और तुमने खुद ही तो कहा था, यही तो रघुकुल की रीति है कि जो बड़ा पुत्र होता है उसी को राज्य मिलता है। और तुम भी तो यही चाहती थी कि राम को राज्य मिले, इसीलिए मैंने तुमको ऐसे आज के शब्दों में कहूँ तो महाराज दशरथ ने कहा, मैंने तुमको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो मैं तो समझ रही हूँ कि मुझे बताए बगैर ये निर्णय क्यों किया है। तो मेरी इतनी छोटी सी गलती है कि तुम्हें बताया नहीं, और इतनी छोटी सी गलती कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। तब केकई को महाराज दशरथ कहने लगे, देखो केकई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा अपने इन वचनों को वापस ले लो। तभी केकई कहने लगी, नहीं महाराज, मैं अपने वचन को वापस नहीं ले सकती। आप यदि रघुवंश के इस कलंक लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि राम को वनवास भेजना ही होगा। अवधपति अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी पत्नी के सामने एक अबला नारी की तरह रोने लगे। और अब महाराज दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे कहने लगे कि रघुकुल के किसी राजा ने आज तक अपनी पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन केकई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि तुम अपना दूसरा वर वापस ले लो और राम को वनवास भेज भेजो। आज इस कमरे में चारों ओर केकई के इस वचन की गूंजाहट सुनाई दे रही थी कि चौदह वर्ष राम बनवासी। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। कभी कभी केकई और भी भयंकर शब्द कहकर उन्हें चोट देकर बार बार उन्हें उठने पर विवश कर रही थी। वो प्रयत्न करते थे, उठते थे, केकई के सामने हाथ जोड़कर, केकई तुम इतनी निर्दयी मत बनो, अपना निर्णय बदल दो। लेकिन फिर भी यदि तुम अपना निर्णय नहीं बदल सकती तो ठीक है, तुमको राम को वन भेजना है तो कोई बात नहीं, बस मेरा एक काम कर दो,
मेरा अंतिम काम कर दो। ये जो दीवार पर तलवार लटक रही है ना, तुम उसे उठाओ और उससे मेरी गर्दन काट दो, क्योंकि राम को तपस्वी के वेश में वनवास जाते हुए ये मैं नहीं देख सकूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होगा कहीं। इससे अच्छा है कि राम के जाने से पहले ही मेरा मस्तक काट कर तुम मुझे मार दो। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन इसी का नाम है, इसी का नाम है संसार। हम कुछ सोचते हैं और हमेशा कुछ अलग हो जाता है। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान को भी इतना सहना पड़ता है जब वो संसार में आते हैं। भगवान के पिता के जीवन में भी इतना दुख आता है, तो आपकी और मेरी क्या गिनती है। क्योंकि भगवान ने कहकर भेज दिया है संसार में, दुख खा लिया अशाश्वत, मत खोजिए संसार में सुख। इस संसार को बनाने वाले ने यहाँ सुख नहीं रखा है। यहाँ पर आए हो तो बस एक काम करो। भगवान ने कहा एमं प्राप्य भजस्वना, मेरा नाम भजन करो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आ जाओ। केवल मेरा ही लोक ऐसा है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं। हर कोई इस संसार में दुखी, हम देखते हैं भगवान के जीवन में कितना दुख है। केकई ने तो अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि मेरा अंतिम निर्णय क्या है, राम को वनवास भेजना है, और यदि तुम नहीं भेज सकते तो ना कर दो, तोड़ दो तुम रघुवंश के वचन को। तो महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो मेरा अंतिम निर्णय भी सुन लो। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है वो राम को जब पता चलेगा ना, उसको बोलने का भी अब बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो तो हंसते हुए चला जाएगा। ये रघुवंश है केकई, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। केकई राम को तो कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो तो तुरंत चला जाएगा वन में और 14 वर्ष के बाद वापिस भी आ जाएगा। भरत भी कभी राम के सिंहासन पर नहीं बैठेगा, 14 साल के बाद उसे अपना राज्य वापिस कर देगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा केकई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक सिर्फ दो चीजें ऐसी होंगी, दो कलंक ऐसे होंगे जो कभी भी दूर नहीं होंगे। दो चीज को गंगा भी पवित्र नहीं कर पाएगी। एक तुम्हारा कलंक कि तुमने अपने पुत्र को राज्य देने के लिए राम को वनवास दे दिया, और दूसरा मेरा पछतावा कि मैंने भगे सोचे समझे तुम जैसी स्त्री को वचन दिया। ये कभी भी, ये दुख कभी भी नहीं भूल पाएंगे। भरत को राज्य मिलना आप चाहती हो मिल जाएगा, राम को वनवास देना चाहती हो वो भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा कभी दूर नहीं होगा। रामायण कार कहते हैं दशरथ जी ने अपनी पत्नी से उसी समय नाता तोड़ दिया। महाराज दशरथ ने केकई से कहा केकई तुम जरा विचार तो करो, थोड़े से चमड़े के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए तुम पूरी गैया को मारने जा रही हो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है, तो ऐसा कैसे कैसे कर सकती हो। महाराज दशरथ समझ गए कि ये तो अपना निर्णय नहीं बदलेगी। अब आकाश की ओर देखने लगे और कहने लगे हे सूर्यदेव, अब आप ही के हाथों में है इस रघुकुल की राज, कृपा करके आप आज उदय मत होना। क्योंकि ये निर्णय लिया गया था ना कि सूर्य उदय होने के समय ब्रह्म मुहूर्त में राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो कहने लगे सूर्य जी आज आप अयोध्या के आकाश पर उदय मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर आज आप उदय होंगे तो आप अयोध्या के इस अंत को नहीं देख पाएंगे। अयोध्या के इस दुख को देखकर आपके नेत्रों से भी आंसू झलकने लगेंगे, क्योंकि आज अयोध्या में ऐसी घटना घटने वाली है जिसको देखकर
कोई आंख भी बगैर रोए नहीं रह सकती। एक दिन का चक्रवर्ती महाराज जिसके इशारे पर लाखों लाख दास दासियां थी, जिसके केवल इशारे के ऊपर ये संसार ढोलने लगता था, बड़े बड़े असुर अब जिसके चरणों में अपना सिर झुकाते थे, दशों दिशाओं में जिसका रथ स्वतंत्र गति से चलता था, वो राजा दशरथ आज लाचार होकर अपनी पत्नी के चरणों में गिरा हुआ है। जीवन एक ऐसी किताब है जिसके दो पन्ने हैं, एक पर सुख लिखा है और दूसरे पर दुख लिखा है। ये किताब पूरी पढ़नी पड़ती है, हम किसी भी पेज को स्किप नहीं कर सकते। एक पन्ने पर संयोग है, दूसरे पन्ने पर वियोग है, इसलिए पूरा जीवन ये सुख और दुख हमारा पीछा करते रहते हैं। सुख का पन्ना आता है, दुख पीछे पड़ा होता है, सुख दुख का पन्ना आता है सुख, तो ये द्वंद्व तो हमारे जीवन का वास्तविक स्थिति है, उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय अभी इतना प्रभात होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला था, इतनी सारी तैयारियां हो गई थी, पूरे राजमहल को सजाया गया था और सब ऋषि भी बैठे हुए थे, सुमंत्र जी भी तैयार होके इतनी एक्साइटमेंट के साथ सब तैयारियां कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि गोपभवन में क्या होने वाला थी रात में, तो सब तैयारियां कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 3 बज गए और अभी तक महाराज दशरथ बाहर नहीं आए। सुमंत्र जी ने सोचा रोज तो ब्रह्म मुहूर्त के समय महाराज दशरथ अपनी पूजा उपासना के लिए आ जाते, आज तो फेस्टिवल है, आज तो प्रीगेम होने वाला है, तो आज तो हमको और भी जल्दी आना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं आए। महाराज विशेष ने कहा जाइए आप देख कर आइए कि महाराज दशरथ है कहाँ। तो सुमंत्र जी महाराज दशरथ को देखने के लिए गए, किसी ने बताया वो केकई के साथ है। केकई के रूम में जब गए, महाराज दशरथ की जब वो स्थिति उन्होंने देखी, सुमंत्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं और केकई खड़ी हुई थी सामने। सुमंत्र जी ने कहा महाराज क्या हुआ आपकी ये दशा, मुझे बताइए क्या हुआ। तभी सुमंत्र जी महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे और उनको देख कर महाराज दशरथ फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे सुमित्र तुम कहते थे ना मैं बहुत भाग्यवान हूँ, साक्षात भगवान मेरा पुत्र हुआ है, तुम कहते थे ना तुम और कौशल्या बहुत भाग्यवान हो, आज इस संसार में मुझसे बड़ा अभागा, मुझसे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं है, मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं, मुझसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं, आज मेरे कारण मेरी अयोध्या उजड़ने वाली है, वीरान होने वाली है, ये अयोध्या लुट जाएगी। तभी तो सुमित्र को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर तो राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही और दशरथ महाराज ऐसी बात कर रहे हैं। तो रामायणकार कहते हैं नृपति कहे अगत जन मोना, वो राजा कहने लगे मुझे नहीं याद आता कि इस जन्म में मैंने अपराध किए हैं, लेकिन मुझे पता है आज मेरे पुराने सारे जन्मों के सारे अपराधों की सजा मुझे एक साथ मिलती है। महाराज दशरथ ने कहा मैंने पूर्व जन्म में लगता है बहुत सारे पाप किए हैं, इसीलिए मेरे जीवन में आज मुझे ये दिन देखना पड़ा, मुझे लगता है कि मैंने ब्राह्मणों की हत्या की है, मेरे गायों की हत्या की है, अपने माता पिता का दिल दुखाया है, इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तब सुमित्र ने कहा परंतु महाराज मुझे बताइए तो सही हुआ क्या है, आप इतना ज्यादा दुखी क्यों हैं। तब केकई ने कहा सुमित्र जी ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनको जो कहना है वो राम को कहना है, आप जाइए और राम को बुलाना है। तब सुमित्र जी जल्दी से श्री राम के पास गए, वो समय प्रभात समय का था और राम जी तो क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस समय वो पूजा का वस्त्र पहनकर वो मंदिर में भगवान की पूजा करते थे। पूजा करते हुए सीता और राम जैसे ही उन्होंने देखा सुमित्र जी आए हैं, दोनों सुमित्र जी के चरणों में दंडवत करके कहने लगे कि आप हमारे पिता समान हैं,
हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम मर्यादा के साथ अपने कुल का नाम उज्जवल कर सके। तभी सुमित्र जी ने कहा कि आपको महाराजा दशरथ ने बुलाया है। तभी श्री राम ने कहा इस समय, क्योंकि इस समय तो पिताजी मुझे कभी नहीं बुलाते हैं, लेकिन जैसे महाराजा राम, श्री राम के मन में बहुत संकोच हो रहा था कि इस समय पिताजी ने क्यों बुलाया है, लेकिन फिर भी वो उसी संकोच के साथ उसी वेश में पिता दशरथ के पास गए और देखा कि दशरथ महाराज मूर्छित है। और उस समय श्री राम ने जब अपने पिता की इस अवस्था को देखा तो कहने लगे, पिताजी क्या बात है आपकी ये दशा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तभी महाराज दशरथ कुछ न बोल सके। तभी राम जी ने केकई से पूछा, मैया पिताजी तो रात भर आपके साथ थे, क्या आप मुझे इनकी इस दशा का कारण बताएंगी? तभी केकई कहने लगी, कोई वो कारण नहीं है, बस इन्होंने मुझे दो वरदान दिए थे, मैंने उनसे ये दो वरदान मांगे तो ये इस तरह से बिलख रहे हैं। दो वरदान, माता मुझे बताइए वो कौन से दो वरदान थे? तब केकई कहने लगी कि मेरा एक वरदान था कि ये अयोध्या का राज भारत को मिले। ये सुनकर श्री राम इतने खुश हो गए और कहने लगे, माँ आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सारी रात यही सोच रहा था कि मैं राजकाज में नहीं फंसना चाहता, भरत बहुत चतुर भी है और बहुत एक्टिव है तो वो ये सारा काम बहुत अच्छे से कर लेगा, आपने तो मेरे दिल की बात कर ली, ये तो बहुत अच्छा है, अब राज्य भरत को देंगे और ये तो बहुत आपने मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचा है, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे हित की बात करते हो। और उसके बाद बोला, लेकिन मैया दूसरा वरदान क्या है? तभी केकई ने कहा, दूसरा वरदान तो ये है कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए बनवास में जाना पड़ेगा। तभी राम जी कहने लगे कि मैया आप कैसे जान जाते हो, मैं वाकई में यही चाहता था कि मैं वन में जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन करूं, उनकी सेवा करूं, और आपने तो इतना सुंदर निर्णय लिया है और इतनी सी बात के लिए पिताश्री इतना चिंता कर रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं, पिताश्री आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे जैसा भाग्यशाली तो और कोई नहीं है, इतना सुंदर कार्य है कि मेरे वन जाने से मेरे भाई को राज्य मिलेगा, मेरे माता पिता का आदेश पालन करने के कारण इस रघुकुल का यश बढ़ेगा, वन में मैं ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा, उनका संग करूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और 14 साल तो यूं समाप्त हो जाएंगे पिताजी, आप 14 साल तो 14 दिन की तरह खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये है निर्णय, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वो समय भी याद है जब श्री राम को ये बताया जा रहा था कि आप कल राजा बनने वाले हो, उस समय उनके मन में कोई इतना उत्साह नहीं था कि मैं राजा बनने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ, और आज उन्हें बताया जा रहा है आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा और आप वनवास चले जाएंगे। और हम देखो छोटी छोटी चीजों के कारण कितना दुखी होते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु पौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाय अनित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। हम दुखों का निवारण करने के लिए कहां कहां नहीं भटकते, भगवान ने कहा मत भटकिए, नाम लीजिए मेरा और सहन करना सीखिए, क्योंकि ये जो दुख है वो हमारे भाग्य के हैं, नहीं चाहेंगे तो भी आएंगे, कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे भाग्य का है वो कहाँ जाएगा, इसीलिए हमको सभी स्थिति में सब रहना सीखना चाहिए। दुख और जीवन, सुख तो जीवन का हिस्सा है, इसीलिए उनको सहन न करना चाहिए। और पिता दशरथ को बहुत सारी सांत्वना देने के बाद बोले, अब तो सवेरा होने वाला है और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे जाना है, पिताजी मैं तैयारी करके आता हूँ। और पिताजी को सांत्वना देकर श्री राम कौशल्या के पास गए
और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। कौशल्या श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, मेरा बेटा आज राजा बनने वाला है, और कहने लगी, राम राज्याभिषेक का समय हो रहा है और तुमने अभी तक वस्त्र भी नहीं बदले, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, सब ऋषि तुम्हें बुला रहे हैं, पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाले हैं, तुम तो कभी भी पिताजी को प्रतीक्षा नहीं कराते, जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाओ। तब महाराजा राम श्री राम को बहुत संकोच हो रहा था कि मैं कैसे बताऊं अपनी जननी को कि मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूं। तभी कहने लगे, माता आपको पता है पिताजी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बोला क्या? बोला पिताजी ने देखा कि मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, मैं बहुत गुणवान हूँ, पर अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, तो छोटा राज्य छोटे भाई को दे रहे। कौशल्या ने कहा, राम पहलिया मत भुजवा, क्या कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। बोला पिताजी का ये निर्णय है कि अयोध्या का राजा मैं नहीं बल्कि भारत बनेगा। तभी कौशल्या जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि राम क्या कह रहे हैं। बोला अच्छा, और बोला और मुझे ना, मुझे पिताजी ने क्योंकि मैं ज्यादा गुणवान हूँ तो मन का राज्य दिया है। मोहे पिता पिता दीन मोहे कानन राजा, अब मैं फॉरेस्ट किंग बनने जा रहा हूँ, जंगल में मुझे राज्य प्रदान किया है। तभी इतना सुनकर पूजा की थाली हाथ में थी, वो थाली गिर गई कौशल्या की, और कहने लगे, राम बस इतना बताओ कि ये निर्णय तुम्हारे पिता का है या तुम्हारी माता का है, क्योंकि यदि ये निर्णय तुम्हारे पिता का है तो मेरा अधिकार है, मैं उनसे जाकर उनका निर्णय बदलने के लिए कहूंगी, मैं पूछूंगी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यदि ये निर्णय तुम्हारी माताओं में से किसी का है फिर तो तुम्हें वन जाना ही पड़ेगा। और इतना कहने के बाद वे कहने लगे कि ये इच्छा तो माता केकई ने प्रकट की है। तभी तभी कौशल्या माया ने कहा, ठीक है फिर उनकी बात को तो तुम नहीं टालोगे, ये है एक आदर्श स्त्री, हालांकि वो दोनों उसकी माँ नहीं है, आज की कोई माता होती तो क्या करता, वो डायन मेरे बेटे को भेजकर और खुद अपने बेटे को राज्य देना चाहती है, मैं बताती हूँ उसको क्या, उसके बेटे को क्या करती। तो उस तरह से कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा, राम तुम्हें तो वनवास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माता का आदेश है, मगर बस एक निवेदन है, तुम मुझे भी लेके जाओ, मैं वन में तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी, तुम्हारी सेवा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले नहीं रह सकती। तभी राम ने कहा, नहीं माता, जरा जाकर देखिए तो पिता की क्या अवस्था है, उन्हें आपकी आवश्यकता है, आप यहाँ पर रहकर पिताजी की सेवा कीजिए, वन में मैं खुद ही संभाल लूंगा। और इतने में तो सीता मैया आ गई और सीता कहने लगी, रघुवर ये सब कह रहे हो वन जा रहे हो, क्या आप सब में वन जा रहे हो? तब श्री राम कहने लगे, हाँ सीते मुझे वन जाना पड़ेगा, मैं तुम यहाँ पर 14 साल में माता पिता की सेवा करना, उनके साथ रहना, और मैं 14 साल के बाद वन से आ जाऊंगा। तभी वो चरणों पे गिर कर कहने लगी, नहीं मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ, कोई शिकायत नहीं कि क्यों निकाल रहे हैं, क्यों हम जा रहे हैं, बस इतना कहा कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तभी राम सीता को समझाने लगे, जैसे छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं, देखो सीता तुमने कभी वन नहीं देखा है, तुम तो यहाँ राजमहल में सुख के साथ रहती हो ना, वन में तो इतने कंकर होते हैं, कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, और तुम्हारे कितने नाजुक से कोमल से पेड़ हैं, तुम नहीं चलो वहां पर, तो बहुत भयानक बहुत भयंकर पशु भी होते हैं, तो तुम यहाँ पर रहो सुख से रहो। अभी सीता कहने लगी, परंतु एक पत्नी का सुख तो अपने पति के चरणों में होता है, मेरे पिता ने मुझे यही बताया था कि जहाँ राम है वही तुम्हारा स्वर्ग है, वही तुम्हारी अयोध्या है,
यदि मैं आपके साथ नहीं जा सकती तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहना है, और यदि आपके साथ मैं नहीं गई तो भविष्य में जितनी भी स्त्रियां आएंगी और उनके पति के जीवन में जब भी कोई कष्ट आएगा तो वो अपने पति का साथ नहीं देंगी। वो कहेंगी हम तो आनंद से रहे, पति पहले चला जाए, दुख के दिन बिताए। तो इस तरह से आप मुझे उदाहरण बनाइए और ले जाइए अपने साथ। और पता है, अगर मैं आपके साथ वन नहीं गई और अयोध्या में ही रही तो सबसे ज्यादा दुख तो मेरे पिताजी को होगा। जब मेरे पिता जनक सुनेंगे कि सीता अयोध्या में सुख भोग रही है और राम वन वन में भटक रहा है, तो वो नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे आपका साथ सौंपा है और कहा है मरते दम तक मैं आपके साथ रहूं। मैं आपको बस एक ही निवेदन करती हूं, आप मुझे अपने साथ लेके चलिए। मैं आपको तनिक भी परेशान नहीं करूंगी, मैं सदैव आपकी सेवा करूंगी, आप कृपया मुझे लेके चलो। जब राम ने देखा कि सीता नहीं मानेगी तब कहा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो आज्ञा ले लो माता श्री से, हम दोनों वन चलते हैं। दोनों ने वनवासियों का ड्रेस पहन लिया और वन जा रहे जाने के लिए तैयार हो गए। उतने में लखनलाल जी आ गए और इतना भयंकर फुंकारने लगे शेषनाग की तरह और कहने लगे भैया भैया मैंने सुना है आपको किसी ने वनवास दिया है, कौन होता है आपको वनवास में भेजने वाला, मुझे बताइए। ये दशरथ, दशरथ ने आपको वनवास भेजा? पिता पिता सब भूल गए और दशरथ दशरथ के कहने लगे आज जिसने भी आपको वनवास दिया है मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्या कसूर है, क्या आपने ऐसा किया है जो आपको वनवास में जाना पड़े? तभी राम बहुत ज्यादा दुखी हुए और कहने लगे लक्ष्मण इस प्रकार आक्रोश में आकर तुम किस तरह के वचन कह रहे हो, तुम जानते नहीं कि पिताजी का इस समय क्या स्थिति है और वो इस समय अपने वचन के इस कारण वो कितना दुखी है, वो कितना प्रेम करते हैं मेरे साथ और आज वो अपने वचन और अपने प्रेम के कारण कितना दुखी है, और आप इस तरह की बातें करके उन्हें और दुखी करना चाहते हो, आज के बाद आप मुझे अपना भाई मत कहना। लक्ष्मण ने जब उसे सुना कि राम मुझे ही त्याग रहे हैं तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता, बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तभी श्री राम ने कहा देखो लक्ष्मण सब मेरे साथ चलेंगे क्या, यहाँ पर भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, माता पिता को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, तुम यहाँ पर रहो और माता पिता की सेवा करो। तभी लक्ष्मण कहने लगा यदि किसी के अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो वो शव भी किसी की सेवा कर सकती है क्या, आप मेरे प्राण हो भैया और आप चले जाओगे तो ये शव किसी कार्य का नहीं रहेगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तभी श्री राम ने कहा लेकिन लक्ष्मण तुम्हारी माता सुमित्रा क्या सोचेगी कि वनवास मिला राम को और ये लखन को लेके गया, तुम जाओ यदि सुमित्रा मैया तुम्हें आज्ञा देती है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, कौन माँ जाएगी कि मेरा पुत्र जो है वो उसके साथ जाए जो उसको तो वनवास नहीं मिला है, वनवास में जाना मतलब अभी तो हमको ऐसा लगता है राम सीता जा रहे हैं वहां पर मजा करेंगे, हिरण वरण देखेंगे और आएंगे, लेकिन वन में जाना मतलब ऐसी जगह ना जहाँ पर रहने की है, ना कुछ खाने को मिलेगा, इतने वंशक पशु होंगे किस तरह से खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे, कुछ भी पता नहीं था। तो लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा संकोच था कि अगर माता ने ना कर दिया तो मैं क्या कहूंगा, और ऐसे ही संकोच में जाकर पूछने लगे, वे कहने लगे माँ मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। तभी सुमित्रा ने कहा हाँ बोल बेटा बोलो क्या बात है। बोला राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और मैं आपसे उनके साथ जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ। तभी रामायण कार तो लिखते हैं
इतना सुनने के बाद सुमित्रा जी ने लखन को बहुत डांटा, बोला राम के साथ जाना है, राम की सेवा करने के लिए जाना है, पर तुम आज्ञा लेने आए हो, तुम्हें तो उसी समय चले जाना चाहिए था, मुझे बताने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी। और अगर तुम आई हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, राम की सेवा दिल लगाकर करना, और राम की सेवा करने के अलावा तो तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं है इस तरह से सेवा करना कि उन्हें कभी अयोध्या की याद ही ना आए। और कभी भी ये मत सोचना कि केकई ने राम को वनवास दिया है, ये केकई ने राम को वनवास नहीं दिया, बल्कि उस विधाता ने तुम्हारा सौभाग्य खोला है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हित पात की चुनाई, तुम्हारा सौभाग्य उतर हुआ है, तुम्हें श्री राम की सेवा देना चाहते हैं, इसलिए विधाता ने राम को वनवास दिया है। ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि वह अयोध्या के सुख भूल जाए। और आज से राम ही तुम्हारे पिता है, सीता ही तुम्हारी माता है, और वह वन ही तुम्हारी अयोध्या है। आज से तुम राम और सीता दोनों की इतनी, उनको कोई भी कमी महसूस मत होने देना। और ऐसा अगर तुमने, तुम्हारे हृदय में कोई आलस्य आ गया, तुम यदि सो गए तो तुम उनकी अच्छी सेवा नहीं कर सकोगे, इसलिए वचन दो, आज आज मुझे वचन दो कि 14 साल तक तुम सोगे नहीं। जब राम और सीता जाग रहे होंगे ना, तब उनकी सेवा करना, जब वो थक जाएंगे तुम्हारे भाई तो उनके चरण दबाना, और जब भोजन बनाना होगा तो वन से टंडुमूल तोड़ के आना, और जब वो सो जाएंगे तो पहरा देना, और उनको इतना, और जब तुम रास्ते चलोगे ना तो रास्ते में तुम्हारे पैर पर भले कितने ही कांटे लगे, लेकिन अपने भाई के लिए फूल बिछा देना। तुमको भूखा अगर रहना पड़े तो तुम भूखे रह लेना, मगर उनको कभी भूखे सोने मत देना। और तुम्हें पता है, आज तक मुझे नहीं लगा था कि मेरा पुत्र है, मैं पुत्रवती हूँ, लेकिन आज जब तुमने राम के साथ वनवास जाने का निर्णय किया है, तब मुझे लगा है पुत्रवती जुगती सब होई, रघुपति भगत जाको सुत होई। वास्तव में एक माता तभी वास्तविक माता बनती है जब उसकी संतान भगवान की भक्ति करने का निर्णय लेती है। ऐसा कहा जाता है, जननी जने तो भक्त जन याद आता या सुन, नहीं तो जननी भांज रहे काहे गवाहे लोग। तो ऐसा जब सुमित्रा ने सुना कि मेरा पुत्र अब भगवान की सेवा करने जा रहा है, तो कितना आनंदित हुई। इसी तरह से हमें भी अपने संतान को यही बताना चाहिए, यह हमारे लिए कितना बड़ा एक उपदेश है कि यदि पुत्र, यदि संतान भगवान की सेवा करने के लिए जाता है, माँ के लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस समय जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जी को आज्ञा मिल गई और तीनों तपस्वियों का वेश धारण करके जा रहे थे, वशिष्ठ मुनि ने देख लिया और कहने लगे, वनवास तो केवल राम को मिला है, सीता तुमने ये वनवासियों का वेश क्यों धारण किया है, तुम इस तरह से इस वेश में नहीं जाओगी, जाओ अपने सारे अलंकार पहन कर आओ, क्योंकि पत्नी को पति के साथ सदैव सुसज्जित हार श्रृंगार के साथ जाना चाहिए, तो रहो राम के साथ लेकिन सुंदर श्रृंगार करके जा। तो सीता ने बहुत सारे गहने पहने और सब अयोध्या वासी उस समय दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने सोचा अभी तो ये अनाउंसमेंट होगी कि राज्य का राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और जैसे ही उन्होंने देखा कि राम जो है वो वनवास में जा रहा है, तब उन्होंने सोचा राम तो इस अयोध्या के प्राण है, राम के बिना इस अयोध्या में हम सब नहीं रहेंगे,
हमको नहीं रहना, हम सब भी राम के साथ जाएंगे। तो सीता राम लक्ष्मण और पीछे पीछे सारे अयोध्या वासी रोते हुए राम के साथ जा रहे हैं। दशरथ महाराज सुमित्र जी को कहते हैं, सुमित्र राम नहीं मानेगा, वो अपने वचन का बहुत पक्का है, लेकिन तुम रथ लेकर उसके साथ जाओ, उसे वन दिखा के 14 दिन में वापस लेके आना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि विकट स्थिति में 14 दिन 14 वर्ष के बराबर होते हैं। तो तुम भी उसके साथ जाओ, लेकिन तुम ये सोचना तुम राम को नहीं दशरथ के प्राण को लेके जा रहे हो। ऐसे जैसे ही राम सीता लक्ष्मण को रथ में चढ़ाकर पीछे पूरी अयोध्या उनके साथ जा रही है और वहां से वो आगे बढ़ रहे हैं, सारी अयोध्या आगे जैसे जा रहे थे तो रास्ते में वशिष्ठ मुनि का आश्रम वहां पर रोके और पुनः अपने गुरु महाराज को प्रणाम करके कहने लगे, आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज, मैं वन की ओर जा रहा हूँ, मगर मुझे आपको एक निवेदन करना है, जैसे ही भरत आएगा ना आप उनका राज्य अभिषेक कर देना और किसी प्रकार से ये राज्य अभिषेक की सूचना मुझ तक वन में अवश्य पहुंचाना, मैं भी वन के पशु पक्षियों के साथ भरत के राज्य अभिषेक का उत्सव मनाऊंगा। ये है श्री राम, और आज कोई दूसरा भाई होता तो क्या करता। और इस तरह से राम जो है वो अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर जा रहे हैं, सुमित्र जी भी उनके साथ जा रहे हैं। हम यहाँ तक कथा को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। सर्व विघ्न विनाशक न श्रीमद भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक न श्रीमद भगवान, सर्व विघ्न विनाशक न श्रीमद भगवान। भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की, महाराज की नित्य लीला प्रवेश अभिचरणार्थ भक्ति विराम स्वामी शुभपाद गौर प्रेम। तो अब से हर मंडे को 8 बजे फिक्स कीर्तन स्टार्ट होगा, 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कीर्तन होगा और 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक 9:30 बजे तक कथा होगी, क्योंकि कीर्तन ही इस कलयुग का वास्तविक धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो आप सबसे निवेदन है जो इस युग धर्म का लाभ लेना चाहते हैं वो फिक्स 8 बजे आ जाएंगे और 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक संकीर्तन का आनंद लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राम संकीर्तन यज्ञ की जय, गौरवान की जय, गौरा प्रेमनते। किसने बुलाया?